सर, हाँ बहुत सारे हॉबीस्ट को ना एक प्रॉब्लम हुआ है, मतलब उनको बहुत इश्यू आता है कि उनको लगता है ये जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है। क्या आप अच्छा, उनका इश्यू सॉल्व करोगे? एक पैसा वसूल आइडिया बता दो। चलेगा सर, उनके लिए बता दो। चलो एक पैसा वसूल आइडिया बताते हैं। पैसा वसूल, पैसा बचाना, बचत। सुनने में ही मजा आता है ना, कानों को ना गाना लगता है, पैसा बचाना मतलब वसूल। हाँ, चलो आज पैसा वसूल आइडिया फटाफट बनाएंगे, मस्त आइडिया है, देखते रहो। ओके, चलो आज टिश्यू कल्चर प्लांट में पैसा कैसे बचाते हैं, आपको क्या करना होगा, और अगर एक पॉट लेके हम उसको चार पॉट कर सकते हैं तो कितना मजा आ जाएगा, यही आज का वीडियो है। वीडियो इंटरेस्टिंग है तो लाइक बजाओ भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इतना तो कर ही सकते हो। मैं आपका एक का चार करने वाला हूं, करो फटाफट। थोड़ा जानकारी, थोड़ा समझदारी अगर हो तो हर एक आइडिया पैसा वसूल हो सकता है। जानकारी प्लांट्स के बारे में, समझदारी कॉन्सेप्ट के बारे में। नो, समझो, अगर हमें, ठीक है, ये छोटा सा टिश्यू कल्चर कप को चार गुना बढ़ाना है तो हमें क्या करना है। पहले तो ये समझना है कि ये प्लांट कौन सा है। यहां पे मैं मोंटे कार्लो यूज कर रहा हूं, एक्सपेंसिव प्लांट है, ठीक है, एक कप महंगा है। बहुत सारे हॉबीस्ट को इसको ग्रो करने का इच्छा भी है, कार्पेट प्लांट है तो ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं, राइट। तो इससे ट्राई करेंगे। हमारा पैसा वसूल करने के चक्कर में हमें क्या क्या लगेगा। लगेगा एक ही कप मोंटे कार्लो का, एक पुराना कंटेनर रिसाइक्लेबल, जो खाने का कंटेनर आता है स्विगी जोमैटो में, जब आप खाना मंगाते हो कंटेनर, कंटेनर का लिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रखना। थोड़ा बहुत मीडिया या लावा स्टोन या लावा चिप्स या छोटे छोटे पत्थर, मेरे पास थोड़ा एक्वेरियम सॉइल है, एक्वा सॉइल, या आप पॉटिंग सॉइल, जो गार्डन का सॉइल, गार्डन का मिट्टी, लाल मिट्टी, सब चलेगा। एक मग में पानी, पिंसेट अगर है तो, एंड पानी का स्प्रे। ये ट्रे, ताकि सब कुछ साफ रहे, पानी ट्रे के अंदर गिरे। और इंपॉर्टेंटली एक और चीज चाहिए, एक सुंदर सी लड़की आ जाओ। ये हमारी आरती है, आप उनको टेरेरियम के वीडियोस में देखते हो, सॉइल एक्सपर्ट है, सॉइल एक्सपर्ट। बट आज हमारे लिए ये प्लांट निकाल के सेग्रीगेट करके देने वाली है, सिंपल सा काम करेगी। ओके, डन, सुपर। नाउ फर्स्ट काम, ये जो टिश्यू कल्चर का पॉट है इसको हम निकालेंगे, ये प्लांट को हम ऐसे निकाल देंगे, बिकॉज ये नीचे जेल है, ये देखो ये जेल है, बिकॉज ये टिश्यू कल्चर प्लांट है। एंड इसको हम यहाँ पे पानी में डाल के प्लांट्स को सेग्रीगेट करेंगे। ये हमारा रेडी है, प्लांट्स को रेडी करना है। एंड मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ठीक तरीके से जेल कैसे निकाला जाता है, एंड ये कॉन्सेप्ट क्यों वर्क करेगा ये भी बताने वाला हूं, तो देखते रहो। नाउ पहला चीज है कि ये जेल को वॉश करे, प्लांट के नीचे जेल होता है, ठीक है, ये जेल को अच्छे से निकालना है, ठीक है, अच्छी तरीके से निकालना है, ताकि प्लांट में थोड़ा भी जेल ना हो, मतलब रूट्स में थोड़ा भी जेल नहीं होना चाहिए। तो आप ये छोटे छोटे टुकड़े करके ये टुकड़े वॉश कर दो नीचे से, दिखाओ, अभी थोड़ा भी जेल, थोड़ा थोड़ा है वो भी निकाल दो। ओके, एंड ऐसे छोटे बंचेस बना के साइड में रख लो, छोटे बंचेस। ओके, नाउ पानी गरम मत लेना, अगर पानी गरम है या थोड़ा भी गरम है तो देन प्लांट्स को इफेक्ट करेगा। कोई भी वेजिटेबल मैटर आप गरम पानी में डालोगे तो सूप बनेगा, हमें सूप नहीं बनाना है, ठंडा पानी लो, ठीक है। अगर आप फ्रिज का पानी लेते हो तो भी नो प्रॉब्लम, बट ज्यादा ठंडा मत लो। ओके, एक 15-20 डिग्रीज, ओके, वो बेस्ट है। नो, ये कॉन्सेप्ट काम क्यों करेगा, 80% एक्वाटिक प्लांट्स एक्चुअली एक्वाटिक नहीं होते, मतलब 100% पानी के अंदर ही नहीं रहते, सेमी एक्वाटिक होते हैं।
एंड टिश्यू कल्चर भी यही कॉन्सेप्ट में काम करता है, जहां पे हम कुदरती जो स्वभाव है प्लांट का उसे यूज करके या एमर्स्ड ग्रो करने का स्वभाव यूज करके यहां पे हम प्रोपगेट करेंगे या बढ़ाएंगे या पैसा वसूल करेंगे, करेक्ट? सो नाउ आरती ये ऑलरेडी रेडी कर चुकी है, अभी हम प्लांटिंग करेंगे एंड मैं बताता हूं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमारे व्यूअर्स में बहुत इंटेलिजेंट लोग भी है, सोच रहे होंगे कि अरे ये सब करने का क्या है, ठीक है, एक टैंक ले लेंगे, थोड़ा सॉइल डाल देंगे, एक पॉट लेके इधर दूर 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 डाल देंगे, वो ग्रो हो जाएगा। नहीं होता है, आप सिर्फ एल्गे ग्रो करोगे, प्लांट्स नहीं। प्लांटेड एक्वेरियम हेविली प्लांटेड होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। ओके, इंपॉर्टेंट नुस्खा, इंपॉर्टेंट टिप। ये हमारा पैसा वसूल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें लगेगा एक प्लास्टिक का कंटेनर, फूड कंटेनर, कोई भी फूड कंटेनर ले लो लिड के साथ, ठीक है। थोड़ा डीप होना जरूरी है, अब ऐसे डीप बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, स्केल लेते हैं। ये मिनिमम देखो 2 इंच डीप है, 6.5 इंच लंबा है, 4.5 इंच चौड़ा है, सो 4.75 by 6.5 by 2। ये मेजरमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो टिश्यू कल्चर कप है ना, अगेन इसको मेजर करेंगे, 2.5 इंच है, 2.5 इंच का डायमीटर है। ओके, सो अगर हम यहां पे 2.5 इंच का हिसाब करेंगे, सी इसको यहां पे रखा तो 1, 2, 3, 4 4 कप्स बनेगा ये। नाउ ये मत सोचना कि ये सब देख के हाँ मुझे पता है मयूर सर क्या करने वाले हैं, जरूरत नहीं है देखने का। मैं ऐसा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपने सोचा नहीं होगा, तो अज्यूम मत करना कि आप जानते हो, देखना वीडियो। ओके, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट लेवल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, नाउ मेरे पास हमारा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का रूट बूस्ट है, रूट बूस्ट प्लस। ये रूट बूस्ट प्लस बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है बिकॉज ये एक्वेरियम या टेरेरियम प्लांट्स के लिए, एक्चुअली गार्डन प्लांट्स के लिए भी अच्छा है। बॉटम में अगर हम डालते हैं तो माइक्रो रूट्स ग्रो करने के लिए मदद करता है, बैक्टीरिया कॉलोनाइज करता है एंड ओवरऑल सबस्ट्रेट का मीडियम जो है, सबस्ट्रेट का एरिया जो है उसको इम्प्रूव कर देता है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो चलो ये हम पहले डालेंगे। इसके अंदर 4 पैकेट आता है, बैक्टर प्लस, इलेक्ट्रो प्लस, कार्बोफिट प्लस एंड रूट ब्रूस प्लस। नाउ ध्यान से सुनो, ये एक पैकेट ऐसे 6 डब्बों के लिए करेक्ट है, आप चाहो तो 2 और 8 डब्बे ऐड कर लो तो आपको लगेगा बहुत थोड़ा सा, ज्यादा मत डालना। ओके, थोड़ा थोड़ा डाल के आप काफी सारे डब्बे बना सकते हो, काफी सारा प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। ऐसे डब्बों में आप मॉस भी ग्रो कर सकते हो, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मॉस का बताता हूं, अभी नहीं। ओके, मॉस नेक्स्ट वीडियो, बट यहां पे मॉन्टे कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे मैंने कहा हमें लगेगा बहुत थोड़ा सा, पहले हम डालेंगे बैक्टर प्लस। ये जो बैक्टर प्लस है ना, ओके, ये गुड बैक्टीरिया है ताकि सबस्ट्रेट फ्रेश रहे, बैक्टीरिया रहे। सी मैं कितना डाल रहा हूं, बहुत थोड़ा सा। ओके, बस थोड़ा थोड़ा ही डाल रहा हूं, ज्यादा नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था आप काफी बार एक ही पैकेट को यूज कर सकते हो, आखिरकार ये पैसा वसूल आइडिया है बॉस। थोड़ा सा मैंने कार्बोफिट डाला है, कार्बोफिट बैक्टीरिया के लिए खाना है। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूट बूस्ट प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही है जो रूट को पकड़ने में मदद करता है एंड माइक्रो रूट्स इंक्रीज करता है। नाउ ये हमने डाल दिया, वापस पैकेट सील कर दो, जिपलॉक है इसमें डाल के, फिर से जिपलॉक है, जिपलॉक करके रख सकते हो, खराब नहीं होता है। आप अगर पानी नहीं गिरता है तो नो टेंशन, ड्राई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सालों साल रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया रूट बूस्ट। नेक्स्ट स्टेप, अभी हम इसमें हमारा ही एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का बायोमीडिया डालने वाले हैं। आप कोई भी सब्सट्रेट मीडिया यूज कर सकते हो,
छोटे छोटे पत्थर नॉट अ गुड आइडिया, छोटे छोटे लावा स्टोन, लावा चिप्स, अगर एक लावा स्टोन मिल गया तो उसको अच्छे तरह से तोड़ के छोटे 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 बनाओ, यही साइज के बनाओ, ठीक है, एंड इसके नीचे डालो। आप सैंड भी यूज कर सकते, सैंड और छोटे स्टोन्स मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता हूं बिकॉज वो ज्यादा पोरस नहीं होते, मीडिया ज्यादा पोरस होता है, लावा स्टोन्स पोरस होता है, तो आप ये यूज कर सकते हो। हम इसको यहां पे ये डब्बे के अंदर हम नीचे एक लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है, ज्यादा हमें बड़ा लेयर नहीं चाहिए, समझाता हूं क्यों, या ज्यादा मोटा लेयर नहीं चाहिए, हाफ अ सेंटीमीटर होगा, ठीक है, उतना ही चाहिए हमको लेयर, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये बॉटम का लेयर आधा से एक सेंटीमीटर क्यों होना चाहिए, सिंपल, बिकॉज हमें सॉइल भी डालना है थोड़ा और प्लांट्स भी डालना है, प्लांट्स के लिए थोड़ा जगह भी चाहिए। अगर आपका प्लांट जैसे हेयर ग्रास होगा या कोई और प्लांट जो ज्यादा टॉल बढ़ेगा तो देन डब्बा भी डीप होना चाहिए। यहां पे मोंटे कार्लो है, शॉर्ट आता है, हमें कारपेट जैसा ग्रो करना है तो शॉर्ट डब्बा यूज करने वाले हैं, ओके। सो नेक्स्ट सॉइल, यहां पे आप गार्डन का मिट्टी, पॉटिंग सॉइल, आप गार्डन अपने ही गार्डन से नीचे निकालो, सॉइल है अच्छा है, लाल मिट्टी, लैटराइट, कोई भी चीज यूज कर सकते हो। मेरे पास ये है तो मैं इसको डाल के दिखा रहा हूं, कंपलसरी नहीं है कि आप यही यूज करो, एंड एक पतला सा लेयर ऊपर क्रिएट करना, ओके, ये लो। नाउ आपको नीचे का मीडिया जस्ट कवर करना है, हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए। नाउ अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 इंच का जो हाइट है हमारे पास अवेलेबल है, तो प्लांट ग्रो करने के लिए अच्छा है। थोड़ा सा यहां पे डालते हैं, बस अगला स्टेप है ये स्प्रे। नाउ हम इतना ही पानी स्प्रे करेंगे जितना ये पकड़ सकता है। हमने नीचे मीडिया इसलिए डाला बिकॉज अगर पानी एक्सेस हो जाए तो नीचे रह जाएगा, ऊपर में ज्यादा पानी नहीं होएगा, ठीक है, बिकॉज हमें ये ड्राई स्टार्ट मेथड में चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि आप वीडियो अंत तक देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, ड्राई स्टार्ट मेथड में चाहिए। नाउ ऑल्सो आप इस टब के नीचे आप एक दो होल्स बना सकते हो, अगर पानी एक्सेस हो रहा है तो वो भी निकल जाएगा, आप खिड़की में रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कहां पे रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, बताने वाला हूं। अब देखो पहले पानी तो स्प्रे करें। नाउ मैंने बहुत अच्छी तरीके से पानी स्प्रे किया है, ऑलमोस्ट मेरे को यहां पे ऊपर तक पानी दिख रहा है, ओके, बट अगर मैं टिल्ट करूं, पूरा टिल्ट करूं तो पानी बाहर नहीं आ रहा है, तो ये ठीक है, ओके, बाद में फिर से स्प्रे करना है तो देखते हैं। सो नाउ हमारे पास क्या है, प्लांट्स है, रेडी है। नाउ मैं ये इसलिए ये ट्रे में रख रहा हूं, नीट दिखेगा यार, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। हमारा जो प्लास्टिक का कंटेनर है, फूड कंटेनर, रिसाइकलेबल कंटेनर, उसका लिड, पानी और पिनसेट। नाउ अगर आपके पास पिनसेट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, आप एक टुकड़ा ऐसा लोगे एंड यहां पे मट्टी में ऐसा आप घुसा दोगे, बट ये देखो ये गंदा काम है, ओके, ये गंदा काम है, अच्छा नहीं लगता। सो बेटर है कि आप एक पिनसेट यूज करो, उसको आप प्लांट करोगे, अच्छे से आप अंदर घुसाओ, कोई टेंशन नहीं है, पूरा अंदर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास यहां पे दो बंच है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बंच है, ओके, यहां पे हम डिवाइड करके इक्वली डाल देंगे। मैंने यहां पे डाल दिया, फिर अगला वाला यहां पे डाला, फिर यहां पे, यहां पे, यहां पे, एंड इन बंचेस को आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें एंड एक 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ के या 1.5 सेंटीमीटर गैप छोड़ के इवनली डब्बे में प्लांट कर दें। प्लांटिंग हो गया, मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक कप का मैंने निकाल के बंचेस निकाल के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। नाउ मैं थोड़ा सा इसको लेवल करता हूं एंड उसके ऊपर ना कुछ कुछ जगहों में थोड़ा सॉइल कम है तो मैं
थोड़ा सॉइल भी डाल रहा हूं, ओके, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा डाला है मैंने, ओके, एंड ऑफ कोर्स स्प्रे, पानी डाला है, लेकिन पानी बस है क्या, ये कैसे पता लगेगा? अगर ड्राई हो गया तो प्लांट्स भी ड्राई हो जाएंगे, तो इनफ पानी होना जरूरी है। नाउ आपके पास अगर ये ब्लैक कंटेनर के अलावा एक व्हाइटिश कंटेनर है तो देन पानी बाहर से आपको दिखेगा, बट ये ब्लैक वाला है तो दिखेगा कैसे? घर में टूथपिक तो होता ही है ना, तो आप टूथपिक को अंदर डालेंगे, निकालेंगे तो आपको पता चलेगा गीला गीला है, राइट? सो ये करेक्ट हुआ, बट फिर भी थोड़ा मजा लेने के लिए थोड़ा और पानी डाल देता हूं, ओके? नाउ आपके पास स्प्रे नहीं है, नो टेंशन है, ओके? थोड़ा सा पानी आप, ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा करके आप डाल सकते, सोच समझ के देख के डालो, अगर पानी ज्यादा हो गया तो प्लांट्स सड़ जाएंगे, मर जाएंगे। नाउ कुछ प्लांट्स आपको दिख रहा है कि अंदर चला गया है, देखो मिट्टी के अंदर चला गया है, नॉट एन इश्यू, ठीक है, वो बाहर आ जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। रिमेंबर ये ड्राई स्टार्ट मेथड है। अगला दो स्टेप है, स्टेप नंबर वन इसको बंद करना, ठीक है, मेरे पास यहां पे इसका लिड है, करेक्टली फिट होता है तो मैं बंद कर रहा हूं, बट अगर आपके पास लिड नहीं है तो क्या करेंगे? आप क्लिंग फिल्म डाल सकते हो, जो प्लास्टिक फिल्म आता है आप घर में जो यूज करते हो, क्लिंग रैप खाना वाना पैक करने के लिए, वो यूज कर सकते हो, बिकॉज हमें ऊपर से ट्रांसपेरेंट चाहिए, याद रखो लाइट जाना है, ओके? सो ये हम कवर करेंगे, एंड इंपॉर्टेंटली इसमें हम होल बनाएंगे। होल इसलिए बनाना है बिकॉज वी वॉन्ट सम काइंड ऑफ अ एयर सर्कुलेशन। नाउ ये मैंने सर्कस किया और टूटा, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे होल्स चाहिए एंड मैं होल्स बनाऊंगा, ओके? सो ये बेटर मेथड है, ज्यादा दो जोर से मत मारो, वो टूट जाएगा। यहाँ पे मैं एक 10-15 होल बनाता हूँ, देखो ऐसे होल्स बन गए। यहाँ पे मैं थोड़ा टेप वगैरह चिपका दूंगा, नॉट एन इश्यू, बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये हो गया कवर। होल्स इसलिए बनाना है बिकॉज हमें एयर सर्कुलेशन चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़े, एयर इंट्रैक्शन होगा, अंदर से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन बाहर आएगा, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, प्लस बिकॉज हमने कवर किया है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी अंदर बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो प्लांट्स फटाफट ग्रो होंगे, बट इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए कि ये खराब हो जाए। इस बॉक्स को हम ऐसे जगह रखेंगे जहां पे इसको लाइट मिले, कम से कम 6-8 घंटा आप अपने किटकी में रख सकते हो, बट अगर आप कोई गर्म जगह में रहते हो जैसे मुंबई वगैरह, तो देन यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ने वाला है। हमें चाहिए अप्रोक्सीमेटली 23-26 डिग्री टेम्परेचर। अभी मुंबई में बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर ब्यूटिफुल है, तो ये चल जाएगा, बट अगर आप कोई गर्म शहर में रहते हो तो इसको एक कूल प्लेस में रखना बेटर होगा, अंदर घर के अंदर रखते हो तो बेटर है। आप अपने एक्वेरियम के बाजू में रख सकते हो, या ऐसे कोई एक टेरेरियम के बाजू में भी रख सकते हो जहां पे लाइट आए, और उसको एक 6-7 hours या 7-8 hours लाइट मिलता रहे, एंड वो ब्यूटिफुली ग्रो होएगा। नाउ ये प्लांट्स ना आपको 10-15 दिन में पूरा कवर अप हो जाएगा, पूरा स्प्रेड हो जाएगा, अगर आपने ठीक से किया है तो पूरा स्प्रेड होगा। आपको इसके अंदर का मॉइस्चर लेवल देखना है, अगर हो सकता है तो 1-2 times और स्प्रे कर लो, नो प्रॉब्लम, प्लेन वाटर यूज करना, ठीक है, एक्सेस क्लोरीन वाला पानी, नल का पानी, अगर आपका फिल्टर का पानी है तो बेटर है, नल का पानी नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज क्लोरीन प्लांट्स को मार सकता है। 15 दिन में आपको ये प्लांट्स रेडी मिलेगा, 1-4 हो जाएगा। नाउ वीडियो के आखिर में आप देखोगे कि कैसे ग्रो हुआ है, एक्चुअली वीडियो के स्टार्टिंग में भी देख लिया ना आपने, यस, ओके। नाउ पूछते हैं हमारे आरती मैडम से कि ये पैसा वसूल था कि नहीं। सो आरती मैडम, पैसा वसूल आइडिया था? बहुत सर, बहुत मजा आया मुझे देखे कि 1 cup से 4 cups बना रहे हो, वो भी तो फिर हमें 15 days तो ही वेट करना है, तो करते हैं 15 days वेट। Awesome.
राइट। आरती को तो मजा आया, आपको मजा आया, सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देख के आपको मजा आया। पैसा वसूल वीडियो है, इंटरेस्टिंग है। आप ये कॉन्सेप्ट कोई भी प्लांट्स में कर सकते हो, कोई भी एक्वाटिक प्लांट्स ऐसा ही ग्रो कर सकते हो। ओके, थोड़ा बहुत इशू होगा कुछ वेराइटीज में, रोटाला वगैरह, बिकॉज बहुत टॉल हो जाते हैं, तो सिस्टम उसके हिसाब से होना चाहिए। छोटा एक्वेरियम यूज कर लो, ड्राई स्टार्ट मेथड करो, फिर वही प्लांट्स लेके आप अपना एक्वास्केप बनाओ। ठीक है, तो आपको एक्सेस प्लांट्स खरीदने का जरूरत नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि अगर एक पॉट लेके हम पूरा टैंक में डालेंगे तो एल्गे आएगा और कुछ नहीं आएगा, नाउ हमेशा की तरह आरती मैडम, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफे, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे करेंगे। सुपर, ठीक है, ये न्यू स्टाइल, बाय।